अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो लेके आया आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन वीडियो, छोटी सी। छोटी छोटी चीज़ें जो नोट नहीं की जाती उनसे ब्रीडिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टिक और मिट्टी के अंदर आप कैसे क्या चीज़ डालें जिससे आपके एग्स फर्टाइल रहेंगे और इंशाल्लाह बच्चे मरेंगे भी नहीं और सही रहेंगे। अभी चेक करें, ये स्टिक लगी है, ठीक है। कुछ लोग उतने स्टिक पे फोकस नहीं करते, बहुत ज़्यादा पतली बारी स्टिक लगा देते हैं या बहुत ज़्यादा मोटी स्टिक लगा देते हैं, जिससे उनको मेटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। और मटकी और स्टिक के बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ठीक है। ये जो एरिया है ना, इस जगह से इधर तक गैप हो ताकि बर्ड ईजीली मीटिंग कर सके, वरना अक्सर ये होता है कि बिल्कुल साथ लगाते हैं, उनके पास स्पेस नहीं होती कि वो मीटिंग कर सकें। और सेकेंडली, आपको मटकी को पहले साफ़ करके उसके अंदर आपको लकड़ी का मिलता है, जिसे बूरा भी कहते हैं, लकड़ी का जो कचरा निकलता है सॉफ्ट सा, वो आपको मटकी में डालना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने हर मटकी में डाला हुआ है। ये होता है, चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो एग्स जो है ना, उनको हीट से मिलती है और मूव नहीं करते, वरना अगर आपके पास नीचे आपने ये इसका लकड़ी का बुरा नहीं डालते, इससे ये होता है कि एग्स मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से एग्स ज़्यादा अक्सर ख़राब हो जाते हैं। अगर आप नीचे डालेंगे तो एग्स अपनी जगह पर स्टिल रहेंगे और मतलब फर्टाइल हो जाएंगे, और इनको हीट अच्छी तरह मिलेगी, जिससे इजीली वो फर्टाइल होकर चिक्स निकलाएंगे। और जब चिक्स निकल आएँ तो उसके बाद आपको हर बीच बार चेंज करना चाहिए ये पूरा, जब गंदा हो जाए तो साफ़ करके आप उसको दोबारा डालें। उससे ये होगा कि जो चिक्स होते हैं, क्योंकि पाँव का मसला आ जाता है, उनके पाँव के ऊपर पीठे लग जाती हैं, ठीक है, स्प्रेड लेग्स पैदा होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि नीचे उनके बुरा नहीं होता, ठीक है, वीकनेस हो जाती है बर्ड को, इस वजह से भी इश्यूज़ आते हैं। तो हर वीक आप इसको चेंज करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं तो इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, इस चीज़ को लगाता, तो मैंने कहा चलो आपसे ये बात शेयर करूँ। छोटी सी चीज़ होती है बट इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ब्रीडिंग का। और ये मेरा न्यू पेयर था, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। रेनबो सी, कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ, रेनबो बर्ड्स कैसे कहते हैं। रेनबो बर्ड्स में सबसे पहले आप चेक करना चाहिए आपको चिक पैच, ये आप देख रहे हैं वॉलेट कलर का चिक पैच नज़र आ रहा है इसके फेस पे दोनों तरफ। जिस बर्ड के फेस पे वॉलेट चिक पैच होता है और येलो फेस होता है, ठीक है, येलो फेस और जैसा इस मेल का येलो फेस है और वॉलेट चिक पैच है, और नीचे आपको ये सीरीज नज़र आ रही है हल्के हल्के लाइट लाइट से जो डॉट्स हैं, जिस बर्ड्स में ये हो, ठीक है, और ग्रे विंग्स हो। अब ये ग्रे विंग्स में से है बट ग्रीन सीरीज़ में रेनबो नहीं होता ना, ब्लू सीरीज़ में भी होता है, इसलिए मैंने इसको इस फीमेल से डाला है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी है, क्या है, इसमें वॉलेट चिक पैच है बट इसमें एक चीज़ की क्या कमी है, इसका येलो फेस नहीं है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये रेनबो है, आप देख सकते हैं इसका वॉलेट चिक पैच है, येलो फेस है और ग्रे विंग्स है, इसलिए ये रेनबो है। दोनों पीस ये रेनबो के पीस हैं। अब इसके अलावा ये जो ऊपर में फीमेल पड़ी है, ये प्योर रेनबो की फीमेल है। ये चेक कर सकते हैं, येलो फेस, वॉलेट चिक पैच, ग्रे विंग्स। इसके साथ मैंने ये वॉलेट का मेल लगाया हुआ है, इससे ये होगा कि इंशाल्लाह वॉलेट कलर के रेनबोज आएंगे।
इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट जो भी आएगा मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, जितनी वीडियोस ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही लोगों के लिए शेयरिंग से मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होता, तो सबको हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये मैं वो टिप्स बता रहा हूँ जो लोग नहीं बताते, सब पेयरिंग कर लेते हैं, उनको नॉलेज होता है, उनकी टिप्स निकाल कर अगले स्किल करते हैं, बट वो पेरेंट्स की पिक्चर्स नहीं दिखाते, पेयरिंग करना नहीं बताते। आप पूछोगे कैसे पेयरिंग करूँ मैं, कौन से बर्ड लूँ, उसको किस तरह पेयरिंग करूँ तो मेरे पर रेनबोज बन जाए, तो कोई भी नहीं बताता। इसलिए मैं नवीद भाई का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, जैसे कि नवीद भाई हर चीज़ शेयर करते हैं, तो मैं भी यही समझता हूँ कि जितना बंदा अपना नॉलेज शेयर करता है उतना ही उसका नॉलेज बढ़ता है। तो जो लोग समझते हैं कि हम बताएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, अगला ब्रीड ले लेगा, अगले के पास भी वैसे बर्ड्स आ जाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। जो नसीब में रिस्क लिखा हुआ है, जो रसीब में लिखा होता है बंदे को वही मिलता है, उससे ज़्यादा बंदा ना कमा सकता है ना खा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए इंसान को, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है। अगर मेरी कोई चीज़ें आपको मिस्टेक्स नज़र आ रही हूँ, आप मुझे भी गाइड करें, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।